तो गाइस आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मंदिर है। अभी मैं यहाँ जाऊँ जाके देखती हूँ। जय श्री कृष्णा। देख सकते हो आप कितना खूबसूरत मंदिर है। गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं चली देहरादून। आपने तो देख ही लिया होगा कहाँ जा रही हूँ, कौन से मंदिर जा रही हूँ। सबकेश्वर महादेव। और धूप इतनी जोर की है कि प्यास लग रही है बहुत जोर की। तो मैं पानी लेने जा रही हूँ, पानी पीती हूँ। बहुत प्यास लग रही है। धूप धूप इतना जोर का था ना, मुश्किल हो गया वहां तक तो पहुंचना। कोई नहीं, फाइनली पहुंच जाएंगे। आ गए मंदिर, भगवान भगवान के मंदिर आ गए, सबकेश्वर महादेव। अब जितना आगे वीडियो होगा सारा मंदिर का ही होगा। मैं मंदिर का ही वीडियो टोटल आपको दिखाने वाली हूँ। वहां की गुफा कैसी है, मतलब अंदर अंदर गुफा है, बिल्कुल अंदर अंदर गुफा। झील है, बहुत लोग नहा रहे हैं। बहुत प्यारी मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत 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 बड़ी मंदिर है। तो आप गाइस आप पूरा वीडियो देखना। इसमें मैंने ले लिया प्रसाद, मैं मंदिर के साइड जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे को फोन जिस तरीके से व्लॉग बनाना चाहिए उस हिसाब से व्लॉग बना नहीं पाई। फोन को ट्रायंगल इस तरीके से पकड़ना था और मैंने मैंने बिल्कुल जैसे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना उस हिसाब का मैंने फोन पकड़ लिया था। तो कोई नहीं, आप समझ सकते हो ना। आगे वीडियो में आपको आपको सही दिखेगा, क्योंकि मुझे बहुत देर बाद समझ में आया जब मेरा फोन ऑफ होने वाला था, तब समझ में आया कि अरे मैंने फोन तो गलत पकड़ा हुआ है। पर वीडियो आपको सारा दिखाऊंगी मैं, आप देख सकते हो। बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा भीड़ था यहाँ पे। यहाँ से लंबी लाइन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से लंबी लाइन है। यहाँ तक अगर मैं लंबी लाइन में लगी होती तो फिर तो हो जाता मेरा काम, फिर तो मैं अगले दिन मेरा नंबर आता। तो लोग आ रहे थे, बीच में लाइन भी लगा रहे थे, क्या कर सकते हैं। कुछ लोग आगे भी चले जाते हैं, मेरे जैसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, चल यार चल लेते हैं यहाँ। तो मैं आगे चली गई। अब देखो लोगों ने लाइन लगा के खड़े हैं और मैं सोच रहे थे कि ये लड़की देखो अभी आई और अभी आगे निकल गई। लेकिन मैं आगे चली गई मंदिर में। हाइट का कहीं तो फायदा होना चाहिए, है कि नहीं? तो गाइस यहाँ आगे जाने के बाद दो आंटियां इतना लड़ाई कर रही थी, इतना लड़ाई कर रही थी मंदिर में आने के बाद भी लोग, वो भी इंग्लिश में लड़ाई कर रही थी। बाबू भैया हिंदी में कर लो, लोगों को समझ में आ जाए। पंडित जी ने बोल दिया वही इंग्लिश, जाके बाहर झाड़ो यहाँ नहीं। इतना भीड़ था कि मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी कि जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊं। मुझे कोल्ड हो गया है उस दिन की वजह से, धूप इतनी तेज थी, खा पी कुछ नहीं पाई मैं। तो मंदिर का दर्शन लग रहा मैंने कर लिया, क्या करा तो नहीं, बीच में वीडियो मैंने एडिट कर दिया है, दिखा दिया आपको। बाकी हनुमान जी की मूर्ति देखो आप, कितनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी, कितनी बड़ी देख सकते हो आप। और यहाँ नहा रहे थे बच्चे बूढ़े जवान सब नहा रहे थे। मन तो कर रहा था मैं भी नहा लूँ, इतनी गर्मी हो रही थी कि मन तो। और पानी इतना साफ था, बहुत साफ पानी था, मन कर रहा था मैं भी नहा लूँ, लेकिन कपड़े नहीं थे अपने के पास ना।
अब मैं देवी के मंदिर जा रही हूँ जिसमें देवी का मंदिर था, भद्रकाली ऐसा नाम था देवी का। हाँ भद्रकाली। जय माता जी। पंडित जी ने मुझे डांट दिया, नेल्स काट लो अपने, बहुत बड़े बड़े नेल्स कर रखा है, सुपनेखा बनना है क्या? ठीक है पंडित जी, काट लूंगी। अब मैं दूसरी साइड आ गई, मैं उस साइड से आई थी, इस साइड आ गई। जय श्री कृष्णा। अगर इस मंदिर को घूमना है तो 1-2 घंटा आराम से टाइम लेके आओ, 2-3 घंटा आराम से बैठ के चिल करो, बहुत अच्छा लगेगा इस मंदिर में, बहुत अच्छा लगेगा। ये गुफा देखो, ओ भाई ये क्या है गुफा। भाई मेरे को लगा कि मेरी हाइट तो इतना है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, तो मैं बैठना पड़ेगा, मुझे भी बैठना पड़ेगा। तो मैं भी घुटने के बल मैं भी गई, यूं 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 करते करते फिर सामने पंडित जी दिखे, कह रहे हैं ओम नमः शिवाय। वहाँ जो गुफा के अंदर थी वो वैष्णो देवी माता जी थी, वैष्णो देवी। फिर उसके बाद गुफा से बाहर आ गए हम, यहाँ पे बहुत सी पूजा की सामग्री मिल रही थी, किताबें वगैरह। और फिर मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से आई थी, मैं वहाँ से आई थी। पूरा व्यू देख सकते हो आप, कितना बड़ा मंदिर है, आप देखो कितना बड़ा मंदिर है। और मैं वहाँ मेन गेट जो दिख रहा है ना, मैं वहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी। आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जितना हो सकता था मैंने उतना शूट किया, मेरा गले में भी मेरे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से। और मैं थक भी बहुत ज्यादा गई थी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा था, बहुत तेज धूप था, रेड अलर्ट का था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, इतना सा भी पानी नहीं गिरा। मैं थक गई थी, थक के यहाँ बैठ गई थी, सब सोच रहे थे क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं मंदिर का दर्शन कर ली, माता रानी का, भगवान का दर्शन कर ली, भोलेनाथ का। अब मैं घर जाने की वापस कर रही थी, वापस आ रही थी, मतलब जूते थे तो भैया जूते के लिए 5 रुपए मांग रहे थे, मेरे पास तो 8 रुपए खुले नहीं थे, तो मैंने बोला कि भैया 5 रुपए गूगल पे कर दो, कह रहे रहने दो। और मैंने दर्शन कर लिया, अब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी घर। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।